पोखरण में प्रजापति युवा शक्ति संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मेड़ता सिटी में स्कूल प्रशासन की लापरवाही से स्कूली बच्चे की करंट से हाथ कटने के बाद विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि बच्चा मेड़ता सिटी के बिलियन स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए दबाव बनाकर बच्चे को स्कूल बुलाया गया। वहां पर स्कूल में बच्चे के करंट की चपेट में आने से, जिसके बाद बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया तथा वहां से जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में बच्चे का अपेक्स अस्पताल में हाथ काट दिया गया। उस समय स्कूल प्रबंधन ने संपूर्ण इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी ली थी तथा बाद में सहयोग करने से स्पष्ट मना कर दिया, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने पुलिस थाने मेड़ता में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लेकिन डेढ़ माह बाद भी पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जिसमें निम्न मांगों को लेकर स्कूल मान्यता रद्द करने को लेकर व बच्चे का भविष्य खराब हो गया, इसीलिए बच्चे को उचित मुआवजा मिले, उचित मांग को लेकर प्रजापति समाज एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है।